नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस के विवादित बयान को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई हिंदू संगठनों के लोग और बीजेपी के कई नेता ने भी इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने की मांग की है। आज इसी कड़ी में छातापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू भी शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री ही इस तरह का विवादित बयान देंगे तो बिहार में शिक्षा का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके बारे में गलत बोलकर उन्होंने समस्त हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जब शिक्षा मंत्री ही इस तरह का विवादित बयान देंगे तो बिहार में शिक्षा का क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य सरकार का एक शिक्षा मंत्री किस तरह का विवादित बयान देता है, जो वर्षों पुराना हम समझते हैं कि एक हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, एक हिंदू धर्म के भावना को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान दिया है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी धर्म को विशेष को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। और अगर ऐसा बयान देंगे तो हिंदू धर्म के लोग भी पूछेंगे कि रामचरितमानस का अगर गलत है तो तुम जवाब दो, तुम कौन से धर्म के लोग हो।